हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक यहूदी और एक मुसलमान झगड़ा करके आए फैसला करवाने के लिए। मुसलमान वो कैसा मुसलमान था? सिर्फ जाहिरी मुसलमान था, दिल से उसके अंदर कोई ईमान नहीं था, नाम का मुसलमान था। उसका झगड़ा यहूदी से हुआ, वो जमीन के मामले में झगड़ा था। तो दोनों आए, यहूदी पहले बात तो इस बात को माना कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास फैसला करवाने जाएं, वरना तो हर कोई यही सोचता ना कि ये मुसलमान है और इनके नबी हो सकता है, इसकी तरफ का फैसला कर देंगे। नहीं, लेकिन यहूदी ने ये कहा कि अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फैसला करेंगे तो हक फैसला करेंगे। तो जब ये दोनों आए, मामला पूरा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना क्या क्या है। उसके बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो यहूदी के हक में फैसला सुनाया, मुसलमान से कहा कि तू ये जमीन छोड़ दे, ये यहूदी की है, उसकी है। अदालत इस्लाम में हर एक के साथ बराबर का है, यहां पर अपना और गैर, अजनबी और रिश्तेदार नहीं देखा जाता। इस्लाम में यही अदल का तकाजा है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अदल और इंसाफ किया है, दुनिया आज तक उसकी मिसाल नहीं पेश कर सकती, आज तक उसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती। आज भी दुनिया की जो अदालतें हैं, ठीक है, हुकूमत चलाने के लिए अदालतें तो कायम हो गई हैं, लेकिन कितने ऐसे निहत्ते जेलों में चले जाते हैं मजबूर मजलूम लोग, और कितने कातिल हैं जो सड़कों पर खुलेआम घूमते हैं। अदालत का जो तकाजा है वो बहुत ही अहम है मेरे अजीजों। इस्लाम ने जो अदालत पेश किया है, इसमें अपने और गैर का कोई फर्क नहीं रखा। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब ये अपना एक मुसलमान और एक यहूदी आए हैं, तो यहूदी के हक में फैसला दिया हुजूर ने। लेकिन हैरत की बात है कि वो मुसलमान बाहर निकलकर यहूदी से कहा कि नहीं, मुझे ये फैसला तस्लीम नहीं है, ये फैसला मुझे तस्लीम नहीं है। उस यहूदी ने कहा, ये तेरे रसूल हैं, इनका फैसला अगर तुझे तस्लीम नहीं है तो फिर किसके पास फैसला कराएगा? तो उसने कहा, उमर फैसला अच्छा करते हैं, उमर इब्ने खत्ताब मशहूर थे फैसला करवाने में, मक्का में भी इनकी पहलवानी के जौहर सबको मालूम थे, ये बैठक में होते थे लोगों के मामलात हल करने के लिए, तो मशहूर थे आप अदालत के मामलात में। उस मुसलमान ने कहा कि मैं फैसला उमर इब्ने खत्ताब के पास करवाऊंगा, और हज़रत उमर फारूक उनकी ही सिफत में कुरान में आया ना, अशिद्दा अलल कुफार, वो काफिरों पर बहुत सख्त हैं। तो उसने दिल में ये सोचा कि ये काफिर है यहूदी, जा करके मैं रोना रोऊंगा, उमर इसको ख़त्म कर देंगे, मेरे हक में फैसला आएगा। तो उस यहूदी ने कहा कि ठीक है, चल मुझे तस्लीम है, उमर के पास फैसला करवाना है तो चलो उमर के पास करेंगे। मेरा दिल ये कहता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसले के बाद उमर कोई अलग फैसला नहीं करेंगे, यहूदी कह रहा है। वो मुसलमान लेकर के चला, बिशर नाम का था ये मुसलमान, जाहिरी मुसलमान, हाँ असल में ये मुनाफिक है। उसके बाद वो आए दोनों हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास। सैयदना उमर फारूक को पूरा वाकया बयान किया, जमीन का मामला है मेरा और इसका झगड़ा है। हजरत उमर से फिर उस यहूदी ने यह भी कहा कि ऐ उमर, हम थोड़ी देर पहले यही मसला तुम्हारे नबी के पास भी रखे थे। हजरत उमर चौंक गए, कहा नबी के पास जाके आ चुके हो? कहा हाँ। कहा फिर उन्होंने क्या सुनाया? उस यहूदी ने कहा, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तुम्हारे नबी ने मेरे हक में फैसला सुनाया। तो उस बिशर नाम के उस मुनाफिक से हजरत उमर फारूक ने पूछा, फिर तू यहाँ क्यों आया? कहा नहीं, मुझे वो फैसला नहीं अच्छा लगा, मैं सोचा कि तुम्हारे पास अलग फैसला करवा लूं। हजरत उमर ने कहा, ठीक है मैं तुम्हारा फैसला करता हूँ। अंदर गए और तलवार लेकर के आए और ला करके उस बिशर नाम के मुनाफिक की गर्दन ही उड़ा दी, बगैर किसी झिझक के ख़त्म ही कर दिया। और फिर कहा, जो नबी का फैसला ना माने, उमर उसका फैसला ऐसी करता है। लेकिन ये बड़ी बात है मेरे अजीजों, यहां मुनाफिक किसे कहते हैं? निफाक जो है ये दिल के अंदर होता है, दिख करके किसी को नहीं आता।
पेशानी पर किसी के लिखा नहीं है कि ये मुनाफिक है, ये मोमिन है। जाहिर में जो दिखता है उसी का हुक्म होता है। अब मामला बढ़ गया, मशहूर हो गया मदीने में कि उमर ने एक मुसलमान का कत्ल कर दिया, एक मुसलमान का कत्ल कर दिया। तो ये जब बात फैल गई, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पेश किया गया हजरत उमर को। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया, ऐ उमर, क्या तुमने एक मुसलमान की गर्दन मार दी? हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा दिल ये कह रहा था कि वो मुसलमान नहीं है, मेरा दिल ये कह रहा था कि वो मुसलमान नहीं है। यहाँ दिल जो कहे उस पर तो हुक्म नहीं होता ना, जो आपकी तबीयत चाहे वो शरीयत नहीं होती। लेकिन हजरत उमर ने ये कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मुझसे खता हो गई है तो आप सजा दे दें, इसलिए मैंने उसका कत्ल किया कि वो आपके फैसले को उसने तस्लीम नहीं किया। अभी तक इसके बारे में कोई हुक्म नहीं था, इस तरह का कोई ऑर्डर नहीं था कि जो नबी का हुक्म ना माने उसे कत्ल कर दो। हजरत उमर का जब यह मसला हुजूर की बारगाह में पहुंचा, अचानक जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम आयत लेकर नाजिल हुए, जिस आयत की आज हमने तिलावत की है। अल्लाह फरमाता, फला व रब्बिक ला युमिनून हत्ता युहक्किमूक फीमा शजर बैनहुम। ए महबूब, तुम्हारे रब की कसम, वो शख्स मोमिन हो ही नहीं सकता जो अपने झगड़ों में आपको फैसला तस्लीम नहीं करता, जो आपको हकम नहीं मानता, जो आपको फैसल नहीं मानता, वो मोमिन हो ही नहीं सकता। कुरान का ये हुक्म आ गया। तो हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खुशी खुशी छोड़ दिया गया। इसीलिए हजरत उमर फारूक का एक लकब है, अल मुवाफिक रायी लिल वहयी वल किताब। हमेशा हजरत उमर की राय जो है, कभी कभार पहले कुछ राय देते थे और उसी के मुवाफिक में कुरान की आयत आ जाती थी। उमर का जो मशवरा होता, उनकी राय होती, वो कुरान के मुताबिक हो कर